ये आप हो। आप अपने सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो, आते हुए और जाते हुए, लेकिन आप उनमें से किसी को भी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आप वेट कर रहे हो, नहीं अभी नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। और फिर कोई दूसरा आता है और वो आपके सामने उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ता है और चला जाता है, और आप बस देखते रह जाते हो। अब आप इनमें से कौन से हो, ये आपको डिसाइड करना है। अब समस्या ये है कि लोग ऐसा करते क्यों है। सबको अपने सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो लोगों को रोक रही है। वो है डर, एक ऐसा डर कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और डर जानते हैं क्यों है, क्योंकि लोग अपने डर को फेस नहीं करते। जिस दिन आपने अपने डर को फेस कर लिया, अब उसके सामने खड़े हो गए और आपने ये सोच लिया कि लोग जो भी कहते हैं कहने दो, बस उसको फेस कीजिए। आपको फिजिकली और मेंटली जिन चीजों से डर लगता है उन चीजों को फेस कीजिए। आपको हाइट से डर लगता है, ट्राई कीजिए एक ऐसी जगह पर जाने का जहाँ पर हाइट है। आपको पानी से डर लगता है तो पानी के पास जाकर ट्राई कीजिए। उस डर को फेस कीजिए, उस डर को आप तभी दूर कर पाओगे। उसी तरह से अगर आपको ये डर लगता है कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, तो सुनिए लोग क्या कहते हैं। जब आप उन चीजों को फेस करोगे तब आपका धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अपने हर काम को इस सिर्फ एक डर की वजह से कल पर टालते हैं। आज नहीं यार, कल कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ शायद आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप आज से एक साल बाद, दो साल बाद या तीन साल बाद अपने को पीछे मुड़कर देखोगे, और जब आप सेम ऐसी ही जिंदगी जी रहे होगे, तो आप ये सोचोगे कि उस समय अगर मैं ये सोच लेता कि आज अभी से मुझे ये काम शुरू करना है, तो शायद आज मैं कहीं और होता। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जब 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद अपने को पीछे मुड़कर देखें, तो आप क्या सोचेंगे। क्या आप बहुत ज्यादा खुश होंगे या बहुत ज्यादा दुखी होंगे। आप जानते हैं आप इतने समय से कुछ भी अचीव क्यों नहीं कर पाए। 5 साल पहले भी आप वहीं थे, 1 साल पहले भी आप वहीं थे, 6 महीने पहले भी आप वहीं थे, और आज भी आप वहीं हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की ही नहीं। और ये सच बात है। और अगर की तो आप एक फेलियर के बाद या लोगों के कुछ कहने के बाद पीछे हट गए। वो डर उसने आपको खत्म कर दिया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपने डर को फेस कीजिए। अभी एक लिस्ट तैयार कीजिए, उस लिस्ट में अपने गोल के बारे में लिखिए, जो भी आपके गोल्स हैं, अपने पर्सनल गोल, अपने बिजनेस गोल, जो भी गोल्स हैं अपनी लाइफ में उनके बारे में लिखिए। और अब एक और लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें पिछले 1 हफ्ते में आप जितने लोगों को मिले हैं उनके नाम लिखिए, जितने लोगों से आपने बात की है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी, उनके बारे में लिखिए। और अब उन लोगों के नाम को ध्यान से देखिए। मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, उनमें से कितने लोग हैं जो लोग आपके गोल से कनेक्टेड है या जुड़े हुए हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन लोगों का आपके गोल से कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे बात करना बंद कर दें, आप उनके साथ ना रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दोस्त बनाइए जिनके पास एक अच्छा गोल हो, उनके साथ रहना शुरू कीजिए, जिसकी मदद से आप भी इम्प्रूव कर सके, क्योंकि एक ग्रुप आपको पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे अपने दोस्त दिखाएं तो मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। आप जैसे दोस्तों के बीच रह रहे हो, आप जैसे माहौल में रह रहे हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बकवास है, तो आप कुछ दिनों के लिए इस चीज को ट्राई कर लीजिए। ऐसे लोगों के बीच रहना शुरू कीजिए जो लोग आपके गोल से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। आप अपने आप अपने गोल को पाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को किसी और को मत ले जाने दीजिए, वो आपका हक है। लेकिन इस चीज का वेट मत कीजिए कि मैं इस चीज को कल करूंगा। कल पर किसी चीज को मत रखिए, क्योंकि कल कल करते करते एक दिन, एक साल बीत जाएगा, 5 साल बीत जाएंगे, और फिर आप जब वापस मुड़कर देखोगे तब आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। अपॉर्चुनिटी को कभी मत छोड़िए। और हाँ, ऐसे लोगों के बीच रहना शुरू कीजिए जिनका अपना कोई गोल है, जिससे आप उनसे कुछ सीख सके, आप मोटिवेट रह सकें।